तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर के गेम प्ले रिवील के ऊपर। जैसे कि अगर तुम्हें पता होगा कि इसका ऑफिशियली ट्रेलर आ चुका है, जो कि धनतारा मैप हमारा है उसकी स्टोरी लाइन का, और मैप के ऊपर भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। प्लस यार जो इनका डिस्कॉर्ड है, यानी कि उस पे एक यार हुआ था गिव अवे, जिसमें हमें जो यार ये स्टोरी लाइन का ट्रेलर मिला है उसका अर्ली प्रीमियर दिया गया था, जो कि कुछ लोगों को इन्वाइट किया गया था उसमें। और गाइस, जो अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर के कम्युनिटी मैनेजर है उनसे जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन आस्क किए गए थे ड्यूरिंग एक इंटरव्यू टाइप तुम कह सकते हो, जिसमें यार लोगों ने काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि इसका जो है स्टोरी मोड एक ही होगा, कैरेक्टर और भी आ सकते हैं, ग्राफिक हमें इंप्रूव एनहांस मिलेंगे क्या नहीं, और इसके जो है फीचर कैसे रहेंगे, वॉइस चैट होगा कि नहीं होगा। लोगों की डिमांड भी थी कि भाई जायरोस्कोप और वॉइस चैट हमें चाहिए। यानी कि आज की वीडियो में तुम्हें जो है पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी अबाउट जो है डेवलपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मैप गेम प्ले रिवील एक्सेट्रा। तो बस यार वीडियो में बने रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं भाई इसके ट्रेलर के बारे में, बिल्कुल ही शॉर्ट पॉइंट में, ठीक है। तो गाइस यार इस ट्रेलर में बेसिकली कह सकते हो तुम स्टोरी लाइन बताई गई है ऑफ धनतारा मैप, ठीक है। ये जो हमारा धनतारा मैप है दो गैंग में डिवाइडेड है, एक भोकाली टोली है जिसका लीडर है त्यागी, और एक वेलवेट टीम का लीडर है वो है बोरिस। और इन दोनों कैरेक्टर की स्टोरी बताई गई है कि भाई ये किस टाइप के कैरेक्टर वगैरह है, और इन दोनों गैंग के बीच में फाइट होगी और जो है एक गैंग विन करेगी। और गाइस अब काफी लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये ऐसे स्टोरी टाइप हमें जो है दिखाया गया ट्रेलर में, तो ये जो गेम है स्टोरी मोड में ऐसा बेस्ड हो सकता है? तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यार तुमने काफी सारे गेम खेले होंगे, जैसे कि पबजी हो गया, BGMI, ये सेम ही है। तो यार इनकी भी जो है अपनी स्टोरी रहती है, जैसे कि भाई इरेंगल मैप है उसकी भी अपनी स्टोरी है कि भाई ये मैप कैसे बना, क्या इसका जो है मीनिंग वगैरह। बेसिकली यार तुम ये कह सकते हो लोग इससे कनेक्ट और रिलेट कर पाए, इसलिए जो है इसकी स्टोरी लाइन दी गई है। और स्पेशली यार गेम तो देखो इंडियन है, तो इंडियन की जो है एक स्टोरी टाइप भी रहती है, तो उसे भी देखते हुए इसकी स्टोरी लाइन दी गई है। और ये जो गेम है वैसे कोई स्टोरी मोड पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। और बाकी यार इस ट्रेलर को देखने से पता लग जाता है कि हमारा जो धनतारा मैप है कैसा होगा ऑब्वियसली, और मे बी यार जो है तुम थोड़ा बहुत ग्राफिक का भी इससे अंदाजा लगा सकते हो। और ग्राफिक के ऊपर एक पॉइंट आगे भी है, तो उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। बाकी फिलहाल अब हम बात करते हैं अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर के कम्युनिटी मैनेजर के बारे में कि गाइस यार इनसे लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन तो ये है, देखो कि गाइस ये जो गेम है इसमें हमें सिर्फ एक ही मोड देखने को मिलेगा, बैटल रॉयल या फिर और भी? तो गाइस यार इसका आंसर तो यही है कि हमें जो है बैटल रॉयल भी मिलेगा और भी मोड मिलेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं, फ्यूचर में। और जो ये भी शायद बीटा आएगा आई थिंक, उसमें जो हमें बैटल रॉयल ही मिल सकता है, और बाकी फ्यूचर की बात करें तो और भी तुम्हें मोड मिलेंगे। साथ ही में लोगों ने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो गेम है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, इसमें जो हमें दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक तो त्यागी एक बोरिस, तो क्या गेम में सिर्फ दो ही कैरेक्टर होंगे? तो यार इसका आंसर उन्होंने ऐसे दिया कि हम जो है कैरेक्टर देखो दो तो नहीं रहेंगे, फ्यूचर में और भी कैरेक्टर आएंगे, बट अभी नहीं आने वाले हैं भाई, बाद में ऑब्वियसली आएंगे। जैसे कि देखो काफी सारी गेम रहती है लाइक BGMI तुम देख सकते हो, उसमें भी काफी सारे कैरेक्टर रहते हैं, जैसे कि सारा, विक्टर, और लाइक तुम एपेक्स लेजेंड मोबाइल ही देख सकते हो, काफी सारे कैरेक्टर उसमें हैं, और जो है तुम्हें फ्यूचर में इसके जो है कैरेक्टर और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भाई अगर हम बात करें इसके फीचर वगैरह के बारे में, तो कम्युनिटी मैनेजर ने इसके ऊपर भी बोला है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या फीचर कन्फर्म हुए हैं, ठीक है। तो गाइस यार पहला फीचर है वॉइस चैट, वो तो देखो कन्फर्म हो चुका है, एंड सेकेंड है जायरोस्कोप, जो कि यार लोगों की काफी सारी डिमांड थी कि हमें ये जो है फीचर चाहिए, और जो है कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, जिससे जो है तुम कैरेक्टर को अपने जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो है हमें तीन फीचर अभी पता लगे हैं जो कि गेम में कंफर्म है और आने वाले हैं। और गाइस भाई अगर हम बात करें ग्राफिक की, तो अब काफी लोग कह रहे हैं कि भाई ग्राफिक इस गेम के बेकार है, क्योंकि यार इसके लोकेशंस को लेकर कुछ यार लीक वगैरह निकली थी, जिसके बेस पे जो है लोग जज कर रहे हैं कि भाई गेम के जो ग्राफिक है सही नहीं है। तो गाइस पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि ये जो लीक है गेम की डेवलपमेंट का है, यानी कि गेम अभी भाई डेवलप हो रहा है, इसके जो ग्राफिक है वो, तभी जो है तुम्हें इसका गेम प्ले इतनी जल्दी देखने को नहीं मिल रहा है, और जो है डेवलपर अभी इसमें टाइम लेंगे। पहली बात तो अभी जो है इसके ग्राफिक एनहांस होंगे, काफी बढ़िया करेंगे, और जो है तुम्हें ग्लोबल रिलीज तक आई थिंक सो गाइस थोड़े जो है बढ़िया ग्राफिक मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गाइस इसके जो ग्राफिक है अनरियल इंजन 4 पे बन रहे हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें पता होगा जिसमें जो है काफी ग्राफिक तगड़े बनते हैं। बाकी इसका कोई ऑफिशियल गेम प्ले या फिर कोई हमें तगड़ी लीक मिले इसके गेम प्ले के ऊपर, तो तुम्हारा भाई बैठा है वीडियो आ जाएगी, और जो है फिर हम बात कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और बस यार आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अगर तुम्हें इसकी रिलीज डेट, बीटा टेस्टिंग या फिर साइज के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गाइस यू कैन वॉच दिस वीडियो, इसमें जो है तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, अबाउट रिलीज डेट, ग्लोबल रिलीज डेट वगैरह वगैरह, तो फिर जो है तुम इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और बस आज के लिए इतने काफी है, बाय।